चलिए दोस्तों अभी शुरू करते हैं जो इंट्रोडक्शन के बाद में जो पार्ट बचा था सेंस लेटर का, जितना भी पार्ट है वो भी पढ़ेंगे। लेटर राइटिंग पार्ट टू के अंदर आज अपन लेते हैं पर्सनल लेटर को पढ़ेंगे। पर्सनल लेटर को पढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन के अंदर अपन ने पढ़ा था कि लेटर कितने टाइप के होते हैं, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए अपन पढ़ रहे हैं लेटर। ब्रॉडली लेटर को अपन ने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट था अपना पर्सनल लेटर और सेकंड था ऑफिशियल लेटर। वेरी गुड, याद है ना? तो फर्स्ट था अपना पर्सनल और सेकंड था ऑफिशियल लेटर, इसे याद रखना साथ साथ में। पर्सनल लेटर को इनफॉर्मल और ऑफिशियल को फॉर्मल, इसको इनफॉर्मल लेटर भी कहते हैं और इसको फॉर्मल लेटर भी कहते हैं। फॉर्मल लेटर के अंदर अपन बहुत सारे इसके टाइप को पढ़ेंगे, प्रकार को पढ़ेंगे, जैसे बिजनेस है, ऑफिशियल्स तो लेटर टू डीएम है, एडिटर है, लेटर टू एडिटर, ये सब अपन पढ़ेंगे। ओके, पर्सनल लेटर के अंदर या इनफॉर्मल लेटर के अंदर क्या पढ़ेंगे अपन? सबसे पहले अपन बात करते हैं, आज अपन इस पे ही चर्चा करेंगे, आज अपन चर्चा करेंगे पर्सनल लेटर पे। ये लेटर ऑफिशियल लेटर या फॉर्मल लेटर बिजनेस कस्टमर को लिखे जाने वाले या जॉब एप्लीकेशन लेटर जितने भी होते हैं या लेटर टू एडिटर होती है, उन सारे लेटर्स की ये बेस फॉर्म है, आप इसे बेस मानिए। यदि आपको आता है ये लेटर तो आप इस लेसन को स्किप कर सकते हो, अदरवाइज आपको एक बार इस लेसन को देखना चाहिए। मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि पर्सनल लेटर एक प्रकार से किस स्ट्रक्चर का होता है, और आपको भी ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, इसका स्ट्रक्चर अपन ने जो पढ़ा था, इसके बाद अपन चलते हैं स्ट्रक्चर पे। अपन ने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था वो पूरा स्ट्रक्चर कवर होना चाहिए इसके अंदर। यदि स्ट्रक्चर पूरा कवर नहीं हो रहा है तो समझो कहीं ना कहीं अपनी कमी रह रही है। और जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि CBSE के अंदर ये लेटर है वो 8 मार्किंग का है, CBSE के अंदर इसका वेटेज है 8 मार्क्स, और RBSE के अंदर इसका वेटेज है आई थिंक 5 मार्क्स। ओके, तो ये दोनों स्टूडेंट ध्यान रखें, पर्सनल लेटर RAS मेंस में नहीं आता है, वहाँ ऑफिशियल लेटर ही आते हैं। और ये जो अपन लेटर अभी सीख रहे हैं, ये आज का लेटर यानी कि ये पर्सनल लेटर उन स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है जो CBSE के अंदर क्लास 6 to 8 के अंदर, यानी 6 to 8 के स्टूडेंटों से ये अपेक्षा रखती है CBSE के इन स्टूडेंट्स को पर्सनल लेटर यानी लेटर राइटिंग आनी चाहिए। तो आज का लेसन इन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इससे अपर वाले जितने भी है जो लेटर पढ़ेंगे, कौन से वाला? ऑफिशियल लेटर, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अपन बेसिक की बात करेंगे, बेस पे बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ओके, तो चलिए स्ट्रक्चर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं अपने पर्सनल लेटर की ओर। अपन ने स्ट्रक्चर देखा था, क्या देखा था? एक फॉर्म देखी थी लेटर की, यदि पिछला वीडियो आपने देखा हो तरीके से, तो उसके अंदर अपन ने पढ़ा था फॉर्म लेटर का, या फिर यूं बात की जाए स्ट्रक्चर लेटर का। स्ट्रक्चर एक लेटर के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, क्या क्या इसके अंदर चीज़ें आती है, उस पर अपन ने चर्चा की थी। सबसे पहली, यदि याद है तो बताइए, यस हेडिंग,
सबसे पहली थी हेडिंग, नंबर टू पे वेरी गुड सैल्यूटेशन, नंबर टू पे था अपना सैल्यूटेशन वेरी गुड, नंबर थ्री पे था बॉडी वेरी गुड, बॉडी यहाँ जैसे कंटेंट भी बोलते हैं अपन। और आपको पता हो तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये है क्योंकि इसके अंदर ही पूरा पूरा मैसेज दिया जाता है इस कंटेंट के अंदर। और नंबर फोर्थ पे अपन ने पढ़ा था सब्सक्रिप्शन वेरी गुड सब्सक्रिप्शन। और इसके बाद में नंबर फाइव में पढ़ा था अपन ने आपके ऑटोग्राफ, क्या जी हाँ सिग्नेचर आपके ऑटोग्राफ सबसे अंत में देने होते हैं उस लेटर के अंदर। ओके, तो इसके अंदर अपन ने ये भी पढ़ा था कि ये जो हेडिंग है ये किन चीज़ों से बनी हुई है। दिस इज कंसिस्ट ऑफ द राइटर एड्रेस एंड द डेट, दिस इज कंसिस्ट ऑफ राइटर एड्रेस एंड डेट। इसके अंदर दो चीज़ें, यानी एक तो लिखने वाले का एड्रेस और दूसरा डेट। ओके, और उसके बाद में अपन को यहाँ पे एक गैप देना था। समझ में आ गई बात? बिल्कुल ठीक है, शॉर्ट में अपन ने रिवाइज कर दिया। अब चलते हैं अगले पार्ट। अगला पार्ट है अपना पर्सनल लेटर। पर्सनल लेटर क्या होता है? जैसा कि आपको समझाया गया था कि ऐसे लेटर जो अपन रिलेटिव्स को लिखते हैं या फिर फ्रेंड्स को या फिर अपने जान पहचान वालों को लिखे जाने वाले लेटर पर्सनल लेटर की श्रेणी में आते हैं। हिंदी में इसे व्यक्तिगत पत्र भी बोलते हैं और अनौपचारिक पत्र भी कहा जाता है। तो अपन ने जैसा कि अभी चर्चा की इन फाइव एलिमेंट्स की, तो एक बार मैं आपको बता दूं कि ये जो फाइव एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स इस प्रकार से आने चाहिए और अपन को कुछ इस प्रकार से दिखने चाहिए कि सबसे पहले अपन ने चर्चा की थी हेडिंग की और अपन ने बात की थी कि हेडिंग कहाँ आनी चाहिए। हेडिंग शुड बी रिटन एट द टॉप लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे टॉप लेफ्ट हैंड साइड ये है तो यहाँ पे अपन हेडिंग रखेंगे। हेडिंग कहाँ रखेंगे? यहाँ पे जी, बिल्कुल सही। यहाँ पे हेडिंग में एड्रेस है और उसके बाद अपनी आ जाएगी डेट। इसके बाद में अपन ने बात की थी कि थोड़ा गैप देना चाहिए और उसके बाद में आती है ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन। चलिए यहाँ पे अपन ने दे दी सैल्यूटेशन और उसके बाद में अपन लिखते हैं अपना मैसेज। जी हाँ, यह हो गया अपना मैसेज या बॉडी या जैसे कंटेंट बोलते हैं। और उसके बाद में ये हो गया अपना सब्सक्रिप्शन या कोर्टियस लीव टेकिंग। और अंत में ये हो गया आपका ऑटोग्राफ। तो अपना जो लेटर पर्सनल बनता है पूरा कंस्ट्रक्ट होने के बाद में, लेटर बिल्ड होने के बाद में उसकी जो व्यू है, उसका लुक है, वो अपीयरेंस है उसका कुछ इस तरीके से होना चाहिए। समझ में आ गई बात? यदि समझ में नहीं आई तो ये जो पार्ट है ये नंबर वन जिसे अपन ने हेडिंग कहा था। क्या कहा था? हेडिंग। आपको पता हो तो ये तो अपना एड्रेस है और ये डेट। उसके बाद में गैप छोड़ना है और गैप के बाद में अपन को सैल्यूटेशन देना है। दो नंबर पे हमें क्या देना है? सैल्यूटेशन। क्या देना है? दो नंबर पे सैल्यूटेशन देना है। सॉरी थोड़ा रॉन्ग हो गया, मैं इसे कट कर रहा हूँ। ओके, दूसरे नंबर पे आपको देना है सैल्यूटेशन। ओके, ये दूसरे नंबर पे है सैल्यूटेशन। और नंबर तीन पे, ये पूरा का पूरा तीन नंबर पे है, यानी ये सबसे महत्वपूर्ण, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसी के अंदर पूरा का पूरा मैसेज है।
जैसे अपन बॉडी बोलो, कंटेंट बोलो, या इसे मैसेज बोलो, कुछ भी। और नंबर फोर्थ, ये पार्ट अपना कहलाता है सब्सक्रिप्शन, लीव टेकिंग या सब्सक्रिप्शन कहलाता है। ओके, यानी इसमें अपन उससे लेटर से लीव टेकिंग करते हैं और उसके बाद में अब अपना ऑटोग्राफ देते हैं। नंबर फाइव पे सिग्नेचर। नंबर फाइव पे क्या है? वेरी गुड, सिग्नेचर। यानी कि आपका जो लेटर है इन चीज़ों से बना हुआ होता है। समझ में आ गई बात? यानी सबसे पहले नंबर वन पे आपकी क्या आना चाहिए? एड्रेस और डेट, जिसे अपन हेडिंग बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको सैल्यूटेशन लिखना है, यानी आप उसे किस नाम से संबोधित करते हैं। उसके बाद में अपनी जो मैसेज होती है वो सारी की सारी यहाँ इसमें लिखनी होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका पर्पज़ क्या है, मैं कहीं टूर पे जाना चाहता हूँ, या फिर आप किसी को एडवाइस देते हैं। यदि बड़े हो तो छोटे को लिख रहे हो तो एडवाइस देंगे, और छोटे हो और कहीं जैसे टूर पे जाना है या घर वालों के हाल चाल पूछना है के, तो उसके अंदर पूरा पूरा आपको ये मैसेज यहाँ पे टाइप करना है, यानी यहाँ पे आपको लिखना है। मैसेज लिखने के बाद में ओवरऑल व्यू आपका ऐसा होना चाहिए। समझ में आ गई बात? और यहाँ पे आप लिखेंगे अपना सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या क्या होता है? हेडिंग की, सैल्यूटेशन की तो अपन ने चर्चा कर ही ली थी कि यदि आपकी घनिष्ठ ज़्यादा है तो आप उसे किस प्रकार से बात करेंगे, किस प्रकार से उन्हें सैल्यूटेशन देंगे। यदि आपके घनिष्ठ कम है तो उसे किस प्रकार से सैल्यूटेशन देंगे, वो पिछले वीडियो में अपन ने चर्चा की थी। अब इस बार इस वीडियो में अपन बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की, कि कैसा सब्सक्रिप्शन आपको किस स्थिति में देना है। सिग्नेचर में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि सिग्नेचर में आपको अपना नेम लिखना है। क्या लिखना है? सिग्नेचर में आपको कोई बड़ा सिग्नेचर नहीं करना है, आपको अपना नेम लिखना है, ये ध्यान रखें। और नेम वही लिखना है जो उसमें आया हुआ है। यदि क्वेश्चन में नेम नहीं आया हुआ है तो आप अपना नेम या ए बी सी लिख सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि जैसे कि आप अपनी सिस्टर को लेटर लिखना चाह रहे हो, जैसे कि आप अभी बेंगलोर में हो और लॉकडाउन के दौरान आप उसे ऑनलाइन स्टडी के बारे में सजेस्ट करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले अपन हेडिंग लिखेंगे, तो आप अपना एड्रेस लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आप बेंगलोर में हो तो आपने लिख दिया कॉटन पेट बेंगलोर। उसके बाद में जैसे आज आप लिख रहे हो तो आपने लिख दिया आज की डेट अप्रैल 7, 2020। ओके, डेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए यहाँ पे? अब कईयों के दिमाग में रहा होगा कि इसमें सर डेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, किस प्रकार की डेट की फॉर्मेट है। आप डेट की फॉर्मेट कोई भी यूज़ कर सकते हो। आप चाहें तो डेट का फॉर्मेट मंथ, डे और ईयर लिख सकते हो। आप चाहें तो डेट मंथ और ईयर लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आई बात? तो आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि 7 अप्रैल है ना, अप्रैल 2020, कैसे भी लिख सकते हो। तो वो अपना अपना तरीका होता है। और इसके बाद में आपको गैप देना है। ओके, गैप देने के बाद में आपको एक लाइन का कम से कम गैप देना चाहिए, ताकि ओवरऑल व्यू उसका जो लुक है दूर से दृष्टि पड़ने पर भी वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगना चाहिए। उसके बाद में यहाँ आप सैल्यूटेशन दोगे। ओके, यहाँ आपने सैल्यूटेशन दिया
जैसे आप अपने सिस्टर को लिखना चाह रहे हो तो आपने लिखा माई डियर सिस्टर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आएगा नहीं, अपन नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं। चलिए माई डियर सिस्टर, उसके बाद में आपने लिखा आप हाल चाल पूछ सकते हो, पर्सनल लेटर है, पर्सनल बातें शेयर कर सकते हैं। आपने लिखा हाउ आर यू, आपने लिखा आई एम, आई एम वेरी हैप्पी हेयर। आपने फिर लिख दिया बिजनेस के बारे में, जैसे आपका बिजनेस अच्छा है, माई बिजनेस इज वेल सेटल्ड इन बेंगलुरु। फिर आप बात कर सकते हैं, कभी लॉकडाउन में कुछ समस्या आ रही है, वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स नाउ ए डेज ड्यू टू लॉकडाउन। ओके, आपने ये बात की थी, ये बात कर दी, तो उसके बाद में अपन ने अपनी बात कह दी। अब सिस्टर को पूछेंगे, उनके हालचाल आपने पूछ ली, उसके बाद में उसे आप ऑनलाइन स्टडी के बारे में प्रमोट भी करेंगे, ठीक है ना। ये पर्सनल लेटर है, पर्सनल लेटर में आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। अब अपन पर्सनल लेटर की बॉडी में चल रहे हैं, जैसे कंटेंट या मैसेज भी बोलते हैं, अपना मैसेज अपन लिख रहे हैं, लॉकडाउन सॉरी ये स्पेलिंग थोड़ी गलत है, यहाँ पे ये सही कर देना। ड्यू टू लॉकडाउन ओके, या फुल स्टॉप लगा देना लास्ट में। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि आप अपनी सिस्टर को ऑनलाइन एजुकेशन लेने के लिए प्रमोट करेंगे, क्योंकि जैसे कि अभी छुट्टियां चल रही है तो स्कूलें सारी क्लोज है, तो इस स्थिति में आप उसे ऑनलाइन के लिए प्रमोट करेंगे। ओके, चलिए आपने बोला इन दीज डेज schools आपने लिखा इन दीज डेज schools are remaining closed due to
ड्यू टू इविल ड्यू टू इविल इफेक्ट ऑफ नोवल कोरोना वायरस नोवल कोरोना वायरस यू शुड You should continue your study. You should continue your study through Diksha app. आप नाम दे सकते हैं Diksha app. और एक दो नाम और दे सकते हैं जो काम की चीजें हैं जैसे ई पाठशाला और यूट्यूब चैनल YouTube चैनल्स इसके माध्यम से आप अपनी ऑनलाइन स्टडी जारी रखिए और उसके बाद में आप उनसे कह सकते हैं कि आई होप उसके बाद में आप उन्हें कह सकते हैं कि आई होप द situation will be under control very soon ऐसा कुछ आप और मैसेज भी दे सकते हो आप अपनी जितनी भी बातें कहना चाह रहे हैं कह सकते हैं और उसके बाद में एंड में अभी अपन बॉडी में चल रहे हैं कंटेंट में चल रहे हैं उसके बाद में कंटेंट में एंड में आप रिगार्ड्स दे सकते हैं अपने पेरेंट्स को रिगार्ड्स टू मॉम And daddy, love to Chunnu, आप छोटे को प्यार बोल सकते हो ओके उसके बाद में अब आपका आता है सब्सक्रिप्शन अब देखिए सब्सक्रिप्शन यहाँ लिखेंगे ठीक है सब्सक्रिप्शन यहाँ और यहाँ पे आपका होगा सिग्नेचर यहाँ पे नंबर 4 जो स्ट्रक्चर का और यहाँ पे नंबर 5 यहाँ पे आते हैं इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यदि आपके इनफॉर्मल लेटर के अंदर यदि बड़े हैं यदि आप छोटे और बड़ों को लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे योर लविंग सन योर लविंग डॉटर और यदि आप बड़े हैं ठीक है ना सब्सक्रिप्शन फॉर एल्डर्स यदि आप बड़े हैं तो क्या लिखेंगे बड़ों के लिए आप अपनी कृतज्ञता प्रकट करेंगे कैसे योर लविंग सन योर लविंग डॉटर ठीक है इस प्रकार से आगे आप देख सकते हैं नीस नेफ्यू कुछ भी ठीक है एटसेट्रा लिख दो ये तो है बड़ों के लिए
और आप बड़ों को लिख रहे हैं तो योर अफेक्शनेटली भी लिख सकते हैं, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स अफेक्शनेटली। Yours affectionately, यह भी लिख सकते हैं, समझ में आई बात। और साथ ही साथ छोटों को लिख रहे हैं तो आप हमेशा क्या लिखेंगे, फॉर यंगर्स। यदि आप यंगर्स को लिख रहे हैं मैसेज तो आप लिखेंगे योर्स अफेक्शनेटली। योर्स अफेक्शनेटली, ओके, समझ में आई बात। ये लिखेंगे आप हमेशा। और यदि आपके फ्रेंड्स हैं और ज़्यादा इंटीमेट नहीं हैं, यदि फ्रेंड है तो योर लविंग फ्रेंड लिख सकते हैं, और वैसे नॉर्मल फ्रेंड है तो आप योर सिंसियरली लिख सकते हैं, ओके। और उसके बाद में अपना नाम। अब जैसे आप बड़े हो और आपने छोटी सिस्टर को क्या दिए, एडवाइस दिए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं योर्स अफेक्शनेटली। योर्स अफेक्शनेटली, ओके। और यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंने मेरा नाम लिखा, मैंने मेरा नाम लिखा, तो आप अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। ये मेरा सिग्नेचर हो गया, समझ में आई बात। चलिए ठीक है, तो इस प्रकार से ये लेटर तो था अपना पर्सनल, और पर्सनल लेटर कंप्लीट होने के बाद में इसके कुछ प्रैक्टिस भी कर सकते हो आप। प्रैक्टिस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और मैं एक लिंक दूंगा, उस लिंक के ऊपर आप पोस्ट कर दीजिए, ओके। उनका क्वेश्चन सबमिट करने का लिंक भी उसके नीचे साथ में रहेगा, ठीक है। उन क्वेश्चन को कहाँ सबमिट करना है, समझ में आ गई बात। यानी क्वेश्चन आपको लिंक में मिल जाएंगे और आंसर का एक आपको लिंक दिया जाएगा, वहाँ आपको उसे सबमिट करना है अपने आंसर को। आंसर का एक क्या मिल जाएगा आपको, लिंक, और लिंक वो कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, बने रहिए और पढ़ते रहिए।